सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टेलीविज़न रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 फेम अदनान शेख वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरते हैं और उनके नाम कई कंट्रोवर्सी से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इस टाइम अदनान काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अदनान ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आयशा शेख के साथ निकाह किया था। इस कपल को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था। फैंस जो अदनान को पसंद करते हैं उन पर भर भर कर प्यार लुटा रहे और अपने इस फेवरेट इन्फ्लुएंसर को शादी करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और हर तरफ सिर्फ अदनान और उनकी बेगम के ही फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अदनान के ऊपर एक नया आरोप लग गया और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी है अदनान के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप लगाने वाला इंसान है वो अदनान के काफ़ी करीब है और काफ़ी संगीन आरोप लगाया है। ये खबर सुनकर अदनान के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, शॉक में चले गए। दरअसल अदनान के ऊपर जो संगीन आरोप लगा है वो उनकी बहन ने लगाया है और अदनान एक बार फिर से घिरते हुए नज़र आ रहे थे। साथ ही अदनान की बहन ने कहा कि उन्होंने FIR दर्ज करा दी। खैर, रिपोर्ट की माने तो अभी मामला कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो खबरें हैं चारों तरफ आग की तरफ फैल रही हैं। और अदनान की बहन और फुरकान शेख नाम के एक कार्यकर्ता से मदद मांग रही, जिससे जो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा देखा भी जा रहा है। फुरकान शेख ने भी खुलासा किया कि पहले तो उन्होंने ये सलाह दी कि घर में ही अपने इस विवाद को सुलझा लें, लेकिन ये नहीं सुलझा, जिस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अदनान की बहन ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक है और काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा हो सकता है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अदनान की बहन ने एक और बात बताई जो काफ़ी बड़ी बात है, ये कि अदनान ने जो शादी की आयशा शेख नाम की लड़की से, वो मुस्लिम नहीं थी बल्कि वो हिंदू लड़की थी और उसका नाम भी उन्होंने कुछ रिद्धि करके बताया। खैर, ये मामला काफ़ी संगीन है। अब देखना है यहाँ पर ये होगा कि अदनान अपनी तरफ से बात सामने रखेंगे, सफाई पेश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक अदनान की बेगम को भी किसी ने देखा नहीं है। वेल, इन सब में आपका क्या है कहना, कौन सच है कौन गलत है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड इस तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली खजाना को। फुरकान शेख और आगे की जो मेरी लीगल एक्शन की कार्रवाई है वो मेरे एडवोकेट मिस्टर शब्बीर शौर्य जी करेंगे। आज हम बांगलो नगर पुलिस स्टेशन में ये महिला ने कल हमारे से संपर्क साधा था मदद के लिए, तो हमने उनकी जितनी मदद करने की कोशिश की। इनका बोलना है कि इनके भाई ने बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरा तो सजेशन ये था कि भाई आपके घर की बात है, आप इसको घर में ही बात करके ख़त्म करें, पर इनका कुछ कहना ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे भी ऐसा लगा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इनको जो तकलीफ हुई है इनके साथ दूसरी जो हुई है वो उनको पता है। तो इनका बोलना था कि मुझे कंप्लेंट करनी, तो हमने आज पुलिस स्टेशन में जाके बांगलोनगर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर उनके नाम से उन्होंने करवाई है, जिसके लिए मैं बांगलोनगर पुलिस स्टेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने एक महिला को न्याय देने का काम किया है। अभी आगे का जो लीगल एस्पेक्ट है एडवोकेट शब्बीर शौर्य देखेंगे और आगे का जो भी है देखते हैं। और अदनान शेख के ऊपर जो FIR है उसके ऊपर उनकी अरेस्ट कब होती है, अब उसका इंतजार है कि मुगल पुलिस को कब अरेस्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम फुरकान शेख है। परसों रात में एक लड़की है मुझे कॉल आता है जिसका नाम इफ़त शेख है। उसका कहना है कि उसके भाई अदनान शेख ने उसको बहुत ब्रूटली मारा है, ना कि उसको और उसके फादर इन लॉ को भी मारा है। उसकी बात पूरी सुनने के बाद में मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में बात करता हूँ, पता करता हूँ कि माजरा क्या है। कंसर्न पुलिस स्टेशन का कहना है कि एज़ पर हर स्टेटमेंट उन्होंने एक NC रजिस्टर कर ली थी। उसके बाद में दूसरे दिन वापस ये लड़की मुझे अप्रोच करती है कि भाई FIR नहीं हुई और मुझे आपसे मिलना है, तो मैं उनसे बांगलो नगर में जाके मिल लेता हूँ पुलिस स्टेशन के पास। उनकी बात सुनने के बाद में मैं उनको बहुत गुजारिश करता हूँ कि आपका अंदरूनी मामला है, घर का मामला है, आप लोग रिजॉल्व करें। बट उनका बोलना ये था कि दोनों भाई बहन के बीच में कुछ मिसकंसेप्शन है, उसका कुछ बोलना है कि आपके उसकी पुरानी कुछ रिलेशन वो उनका फैमिली मैटर है। उसके बाद में हम बांगलो नगर में जाते हैं, FIR रजिस्टर हो जाती है। अब लड़की का बोलना ये है कि अदनान अरेस्ट कब होगा, जिसके लिए वो तो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। अब वो लड़की कुछ महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट लीडर से इस
विषय में मिलने वाली है, तो मैं ये कहूँगा मैं उनके साथ हूँ। पर मेरा ये एक बात बोलना है कि आपका आप दोनों का, अदनान का, ये लड़की का, उनका, ये दोनों की फैमिली का आपस का मामला है, दोनों इस मामले को अगर घर में बैठ के सुलझा सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति नहीं है लड़ना झगड़ना। बस यही कहना चाहता हूँ कि दोनों घर के अगर फैमिली रिजॉल्व कर सकते हैं तो कर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।